लुकअप की। हम आज बात कर रहे हैं पिक्चर लुकअप। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था और डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का। होम मेनू में हमने कॉपी पेस्ट बताते समय हमने आपको यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक के बारे में बात की थी। अब पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक में थोड़ी सी फॉर्मूला और बाकी इसको इस्तेमाल करते हुए हम पिक्चर लिंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसमें दो तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो तरह का डेटा है, जैसे कि यहां पे हमारा मंथ मंथ और यहां पे सेल्स है, और मैं यहां पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई इस तरह से लिखता हूं, और यहां पे हम अपने सेल्स लिखते हैं। और हम मान लीजिए कि इस पे हम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक चार्ट्स भी यहां से इंसर्ट में जाके एक चार्ट्स भी यहां पे शो कर देते हैं। तो ये हमारा चार्ट्स है यहां पर, ठीक है। सेम उसी तरह से हमारे पास एक डेटा है एस से, इस पे क्या बोलते हैं, एसओ वाइज सेल्स ऑफिसर वाइज। तो यहां पे इसको भी करते हैं, और यहां पे हम अपने सेल्स देते हैं। और डेटा को हम यहीं पे, यहां इसमें भी हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर भी हम एक चार्ट, मान लीजिए कि मैं इसके अंदर पाई चार्ट क्रिएट कर लेता हूं, और इसको छोटा करके हम यहां पे बैठा देते हैं। तो एक ही सीट पे मान लीजिए हमारे पास दो तरह का एनालिसिस है, दो तरह का रिपोर्ट है, समझे। एक दो तरह की समरी है जो कि हमने मैनुअल है किसी और तरीके से बनाई हुई है, उसका जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं। बट हमारी एक समरी शीट है। मैं पेज लेआउट में जाता हूं और यहां से ग्रिड लाइन हटा देता हूं ताकि बैकग्राउंड जो है हट जाए। अब मेरे पास एक हमारा एक समरी शीट है, मान लीजिए यहां पे समरी शीट है, और इसका भी ग्रिड हटा देता हूं। और समरी शीट पे मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट, और डेटा मेनू बार के अंदर हमारे पास डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन में हम जाते हैं, यहां पे हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और यहां पे देते हैं कि मुझे मंथ वाइज या फिर एसओ वाइज रिपोर्ट चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे मंथ को सिलेक्ट करूं तो सीट वन से हमारा ए जो रिपोर्ट है यहां से यहां तक का ए शो होना चाहिए, और फिर मैं चेंज करूं यहां से एसओ तो रिपोर्ट जो है एसओ वाला होना चाहिए। तो देवीदास जी एंड राहुल राजपूत जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को करना क्या है? हाँ सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हेलो, पूछिए, सुन रहा हूँ सर। बहुत शोर आ था पीछे से, कान में से आवाज बाहर। हेलो, क्या बोल रहे, बोलिए सर। हेलो, बोलिए, क्या बोल रहे। हेलो सर, जब हम एक्सेल पे काम करते हैं तो मर्ज सेंटर का ऑप्शन होता है ना। हाँ। तो सर हमें पूरी, अगर पूरी कॉलम या पूरी रो को एक बार में सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करना हो तो वो होता नहीं है। माने आप एक पूरे कॉलम को करना चाहते हो? पूरे कॉलम को, हाँ। क्या होता है, हैंग हो जाता है? हैंग नहीं होता सर, वो बोलते कि एक साथ सारा नहीं होगा ये एक पूरा कॉलम। हाँ, तो एक्सेल के अंदर उसकी लिमिटेशन में पढ़िए ना, कितना मर्ज कर सकते हैं। लिमिटेशन तो पहले पढ़ने के लिए दिया था ना आपको मैंने। अच्छा,
उसकी लिमिटेशन से आउट ऑफ होगा तो नहीं करने दे रहा है। ठीक ओके आगे बढ़े। तो प्रॉब्लम आपने समझ लिया, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो मैं इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। और इसको अभी एक्सेल क्या जानता है कि सीट वन A1 से लेके H12 क्या कि सिलेक्टेड एरिया को ही जानता है, लेकिन फॉर्मूला बार में हमारे पास डिफाइंड नेम होते हैं। डिफाइंड नेम पे गया और मैंने यहां पे लिख दिया मंथ, मतलब कि एड्रेसिंग सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था कि एड्रेसिंग सिस्टम A1 B1 C1 होता है, लेकिन आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर एरिया को आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को आप जो है अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया मंथ। अब माफ कीजिएगा, मंथ ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्योंकि ये फाइल होते रहता है, ये है ऑलरेडी, तो मैं एक बार इसको सबको डिलीट कर देता हूं। अब चलते हैं। अब मैं यहां डिफाइंड नेम में जाता हूं और मंथ इसको मान देता हूं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि अपने इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं और सेम डिफाइंड नेम में मैं इसको एसओ दे देता हूं। तो कंप्यूटर इसको एसओ और इसको डिफाइंड नेम के जानता है। अब जैसे कि लास्ट टाइम में बताया था कि हम कॉपी करके कहीं भी जाएंगे तो हम इसको पेस्ट एज ए लिंक कर सकते हैं, मतलब पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक करेंगे तो उसका लिंक्ड हो जाता है। जैसे देख रहे हैं उसका लिंक्ड हो गया कि अगर मैं सीट वन में कोई भी चेंज करूं, जैसे 360 कर देता हूं या मैं 50 कर देता हूं, तो हमारा यहां भी देखिए 360 50 हो गया। अब बात यहां पे आती है कि अब देखिए एक्सेल का रूल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई किसी भी तरह का लिंकिंग, मतलब कि एक सेल सेल से लिंकिंग या किसी ऑब्जेक्ट से लिंकिंग विदाउट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। तो जब आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर आपका एक रेफरेंस सिस्टम है कि सीट वन A15 से H23, तो आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसका नाम मान लीजिए मैं एसओ कर देता हूं क्योंकि हमने नेम डिफाइन कर रखे हैं। तो एसओ जब किया तो यहां पे हम इसको मंथ भी कर सकते हैं, तो मंथ। तो हमारा कुछ हद तक हमारा काम हो रहा है कि मैं ऊपर जाके मंथ के जगह पे यहां पे एसओ लिख देता हूं तो मैं से एसओ बीजा वाइज डेटा आ जाता है, और एसओ की जगह पे मैं मंथ लिख देता हूं तो मंथ वाइज डेटा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों एरियो का नाम दे रखा है, एक शॉर्ट नेम दे दिया जो कि यहाँ पे लिखना आसान हो गया, लेकिन वो बड़ा सा सीट वन वगैरह लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये आसान हो गया। ठीक है राहुल जी या देवीदास जी? हाँ सर, ठीक है सर, यस सर, राहुल जी। अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप करना है कि जो इस एसओ, मैं इसको इस एसओ से लिंक करना चाहता हूं। अब प्रॉब्लम ये यहां पर ये है कि जो यहां पे एसओ लिखा हुआ है या यहां पे मंथ मान लीजिए, यहां पे मंथ लिख देते हैं, मंथ लिखा हुआ है, तो ये आप जानते हैं कि आपके सिस्टम में मंथ नाम का एक रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस है, बट एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला इसको इससे लिंक नहीं करेगा। वो समझेगा कि मंथ एक कैरेक्टर है, एक टेक्स्ट है, वो कोई एरिया नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई कोई A1 B1 C1 नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला को छोड़ के इनडायरेक्ट। मतलब कि अगर मुझे यहां पे, अगर मैं यहां पे लिख दूं इक्वल सम, और सम के अंदर में अगर हम मैं मंथ डायरेक्ट लिखता हूं तो ये एक्सेप्ट इसको ले लेता है, ले लिया,
रिजल्ट आ गया। लेकिन यही मैं मंथ ऊपर लिख दूं, यहां सेल में लिख दूं, और मैं बोलता हूं कि इक्वल सम, और मैं बोला कि ये मंथ ले लो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यहां पे जो मंथ है वो समझ गया है, सम समझ गया है कि मंथ मतलब कि एक रेफरेंस। लेकिन यहां पे मंथ लाने का मतलब हुआ कि मंथ जो है एक, क्योंकि इसके अंदर जो मंथ इसने J6 ने दिया इन्वर्टेड कॉमा में दिया, तो उसको एक सेल रेफरेंस नहीं, एक करेक्टर माना है। तो इसको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यहां देखिए, और एंटर मारते हैं तो ये आपका 376 आ जा रहा है। तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है इसको समझिए, इनडायरेक्ट कर रहा है कि इसको कन्वर्ट कर रहा है, मंथ को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, फॉर्मूले में रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमें समरी में यहां पे मंथ दे रखा है, तो अगर मैं यहां पे करूं कि इनडायरेक्ट, और इसके अंदर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिंकिंग का रूल होता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग का रूल होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं दे सकते, सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस, बट फॉर्मूला नहीं दे सकते। लेकिन डिफाइन नेम के अंदर आप फॉर्मूला दे सकते हैं, और डिफाइन नेम ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, एक पिक्चर, लिंकिंग पिक्चर को दिया जा सकता है, जिसके बिना भी दिया। तो मैंने क्या किया कि एक और डिफाइन नेम बनाया, ठीक है, और इसका नाम लिख दिया SO, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या किया कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला जो वहां था, वो फॉर्मूले, वो जो कंसेप्ट यहां लगा रहा था, वहां ना लगा के मैं यहां पे लगा देता हूं इनडायरेक्ट, देन ओके। अब यहां पे मैं SO लिखूं, एक मिनट चेंज करनी हो रहा है। अच्छा, ये चेंज कब होगा कि जब यहां जो मंथ हमने मैनुअली लिख रखा है, इस मंथ के जगह पे मैं देता हूं SHOW, शो। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे चेंज किया, एसओ किया, तो एसओ किया तो तुरंत जो हमारा 100 माइक्रो का रेफरेंस है वो चेंज हो गया, और जैसे ये चेंज हुआ, पिक्चर भी अपना डेस्टिनेशन को चेंज, ओरिजिन को चेंज कर दिया, अपना लिंक को चेंज कर दिया। देवीदास जी एंड राहुल जी, एनी डाउट्स? नो सर, नो डाउट। देवीदास जी आपको? नहीं सर। ओके। अब इसी बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं पिक्चर लुकअप की। वी लुकअप यूज किया आपने? पिक्चर लुकअप कल कराया था सर आपने, लास्ट पिक्चर क्लास में। नहीं, लास्ट क्लास कराया था। पिक्चर लुकअप, हेलो, वो मैं हेलो। वीडियो वीडियोज भेजी थी आपको मैंने, क्या वीडियो, आपने हाँ वीडियो देख रहे उसको। जी हाँ, समझ में आ गया था उसको, बताओ आपको। जी सर बता दीजिए थोड़ा और बता दीजिए। बेसिकली वी लुक कब इस्तेमाल किया आपने कभी? बोलो, वी लुक कब इस्तेमाल किया आपने? सर किया ना। तो वी लुकअप से किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका उसका डेटा ले सकते हो, आप उसकी पिक्चर नहीं ले सकते हो। तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट था कि एक स्कूल का डेटाबेस बनाने के लिए। तो मैंने डेटाबेस बना दिया, सारे स्कूल के सारे रिकॉर्ड रख दिए, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है उनका, जो आप रोल नंबर डाल, उसकी जो माने स्टूडेंट लुकिंग फॉर्म था एक, कि किसी स्टूडेंट स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, तो
तो वहां से उसकी डिटेल दिख जाती थी। ठीक है, तो वहां पे उसकी डिटेल दिख जाती थी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मुझे इसके साथ एक सब पिक्चर भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं देखता हूं, दिखाता हूं कि जो उनके पिक्चर्स थे उनकी पिक्चर्स को इस तरह से एक-एक, लेकिन मुझे पेंट करना पड़ेगा, गूगल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके नहीं आ रहा है। तो पिक्चर्स को मैंने, उनके पिक्चर्स को एक-एक सेल के अंदर में रख दिया इस तरह से, जो कि अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। तो उनके स्टूडेंट के जो पिक्चर्स थे उन सारे पिक्चर्स को मैंने लिया और रख दिया, और उसके पहले वाले कॉलम में मैंने उनका ये रख दिया, क्या रख दिया, उनका रोल नंबर। तो डेटाबेस से रोल नंबर निकलता था और पिक्चर्स के लिए वो लोग क्या करते थे, यहां से लेते थे, एसकेएम करके पिक्चर को रखते थे, और पिक्चर लुकअप मेथड से रोल नंबर डालते ही पिक्चर मिल जाता था, क्योंकि बाकी डिटेल तो वी लुकअप से आसानी से लाया जा सकता है ना सर, हाँ सर, वी लुकअप से लाया जा सकता है। पिक्चर्स के लिए हमने पिक्चर लुकअप का इस्तेमाल किया था, तो वही मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि कैसे कर रहा है, ताकि आप आगे जाके इसका इस्तेमाल अपने डेटाबेस के लिए कर सकते हैं। तो इंटरनेट से हमने कुछ फोटो निकाल लिया और डायरेक्ट फोटो कॉपी नहीं हो रहा, इसमें पेंट पे कॉपी कर रहा हूं, फिर वहां से ले जाके एक्सेल पे ला रहा हूं। वो डायरेक्ट कॉपी करने का अलग तरीका है, उसको लोड करना पड़ेगा पिक्चर को, तो यहां उतना टाइम नहीं है लोड करने का। ठीक है, और दूसरा हमारा जो सीट है, जो कि डेटा शीट है, वहां पे मेरे पास यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे वो पिक्चर को शो करना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रीनेम, इसको मर्ज कर देते और इसको बोल्ड कर देते, और बाकी डिटेल्स जो यहाँ पे नेम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी तो वी लुकअप से उठ के आ रहा है। नहीं तो अगर वी लुकअप नहीं आता है तो हम आई क्लास में उसको समझा देंगे। तो यहां पे कैसे करें कि वो पिक्चर कैसे आएगा, तो बेसिकली यहां पे फिक्स नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो समरी में हमने क्या किया, सिंपल सा ये किया था, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो जैसे यहाँ पे आईडी हमने 1 लिखा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैच का। देखिए यहाँ पे मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर नंबर को रो एंड कॉलम में सर्च करता है। एग्जैक्टली लगाने का तरीका क्या है, किस नंबर को किस कॉलम्स में
सर्च करना है, मैच टाइम एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए हमने जीरो दे दिया। तो इसने बताया कि रो नंबर आईडी नंबर वन रो नंबर टू के अंदर है। किसके अंदर है? टू के अंदर है, ठीक है, समझ गए? यस सर। तो मैंने क्या किया, यहां पे देखिए, मैंने यहां फॉर्मूले में गया, डिफाइन नेम लिया, ठीक है, डिफाइन नेम में मैंने फोटो नाम दिया, फोटो। तो बेसिकली किसमें? सीट थ्री में है, ठीक है। तो मैंने इन डायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, इन डायरेक्ट, ठीक है। और मैं यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में सीट थ्री रेफरेंस दिया, ठीक है, और एन परसेंट मैंने दिया बी, और उसके साथ कॉनकेटेनेट कर दिया अपना मैच फॉर्म। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये रहा हमारा फोटो। तो हाँ बोलिए सर, सर ये फॉर्म एक बार फिर समझेंगे सर, मैं समझा रहा हूं। देखिए बेसिकली एड्रेस क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए ए, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया सीट बी टू। तो हमें पता है कि सीट जो है, सीट्स बी हमें पता है, ठीक है जी। टू हमारा चेंज होते रहता है, तो टू कैसे आता है? तो मैच फॉर्मूला से। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है कि इस वन को डेटा में सर्च करता है ए बाई पूरे एक कॉलम में, और जो मिलता है उसका रो नंबर शो कर देता है। तो मैंने यहां फोटो नाम का जो बनाया उसमें मैंने क्या किया, यहां देखिए सीट भी हमें पता था, और उसके साथ मैंने मैच लगा फॉर्मूला को कॉनकेटेनेट कर दिया, कॉनकेटेनेट समझते हैं ना, ज्वाइन कर दिया, एन परसेंट इसका सिंबल होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला से, ठीक है, और फिर किसी एक फोटो, किसी एक सिम को यहां से उठाओ, कॉपी करो, और यहां पे जहां पे आपका फोटो चाहिए वहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दो, ठीक है। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, ओके अब मैं यहां पे ये जो पिक्चर है एक यार सीट बी टू है, तो बी टू के जगह पे मैं इसको देता हूं फोटो, सिंपल सा। अब वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को अभी मेल कर देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने पिक्चर लुकअप के दो एग्जाम्पल आपको दिए, अब आप इसको रिसर्च करें और मुझे इसके दो और एग्जाम्पल आप लोग बताएं, ठीक है? ठीक है, दो और एग्जाम्पल मुझे बताएं। ठीक है सर। तो दोस्तों जो YouTube पे हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, आप हमारे डीवीडी को देख रहे हैं, ये हमारी ऑनलाइन क्लास मीडियम थी, एक गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने एक क्लासेज ऑनलाइन लिए, जिसमें
देवीदास जी और मिस्टर राहुल जी दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में थे और उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ इस क्लास को ज्वाइन करना तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्लासेस लाइव होगी 100% और डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं और भी पूरी सिक्वेंस में नहीं है और पूरी वीडियोज नहीं है, भले ही 1500 से 2000 वीडियोज हैं लेकिन रिपीटेड वीडियोज है, टॉपिक सिक्वेंस ही नहीं है, पूरी टॉपिक नहीं है। तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ लाइव क्लास लेके और एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो वीवी का तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकती हो। ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी क्लासेस है जो कि आप अपने घर से ले सकते हो और सीख सकते हो मेरे साथ। अगर आप चाहते हो कि फिर भी आप चाहते हैं कि डेमो लेना तो आप हमारी क्लासेस डेमो के रूप में डेमो के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें और लाइव क्लास ज्वाइन करें। लेकिन हो सकता है कि आपके पास डेमो भी ज्वाइन करने का टाइम ना हो तो आप हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और बाय डीवीडी पे क्लिक करके डीवीडी परचेज करें। 24 घंटे के अंदर में उसकी डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी और अगले 4 से 5 दिनों में उसका आपके पास उसकी डीवीडी पे राइट होके कॉपी मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप जो है हमारी वीडियोज को ज्यादा ज्यादा पॉपुलर करने की कोशिश करें। वीडियो जितनी ज्यादा पॉपुलर होगी मैं और उतना ही ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने लेके आऊंगा। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।